हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस। फ्रेंड्स, आज हम आप सभी के लिए क्लास 10th का गणित सब्जेक्ट वर्कशीट नंबर 50 डिस्कस करेंगे और यह वर्कशीट आपका 2 नवंबर 2020 के लिए है। तो आइए दोस्तों, इसे एक एक करके प्रॉपर वे में डिस्कस करते हैं। वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है। अगर फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिले। और फ्रेंड्स, इस चैनल पर आप सभी के लिए क्लास 9th और 10th का जो वर्कशीट है वो 1 से 2 दिन पहले अपलोड कर दी जाती है ताकि आप लोग अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कंटिन्यू कर पाए। ओके फ्रेंड्स, तो आइए इसे डिस्कस करते हैं। याद कीजिए और उत्तर दीजिए। इसको हम सॉल्व करेंगे अभी नीचे, ठीक है। त्रिज्याखंड यानी वृत्त का वह भाग जो दो त्रिज्याओं एवं एक चाप से घिरा होता है उसे त्रिज्याखंड कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, इसमें जो दिया हुआ है त्रिज्याखंड, ठीक है, इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, और इसमें जो आप यहाँ देख रहे एग्जाम्पल, ये जो आपका एग्जाम्पल है, ठीक है, ये एग्जाम्पल जो दोस्तों है, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको आपको अच्छे से सॉल्व कर लेना है। और आइए हम उसके बाद स्वयं प्रयास करें, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको भी आपको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। तो आइए हम ये पहला क्वेश्चन याद कीजिए और करें, इसको करते हैं। देखिए, मैथ वर्कशीट 50 कक्षा 10 हिंदी माध्यम है दोस्तों। याद कीजिए, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है आपको, पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, राइट। अब देखिए, अब सेकेंड कह रहा है 3 सेंटीमीटर और केंद्र ओ वाला एक वृत्त बनाइए। 3 सेंटीमीटर और केंद्र ओ वाला एक वृत्त बनाइए और केंद्र में 60 डिग्री का कोण बनाते हुए उसकी दो त्रिज्याएं खींचिए। कितना, 60 डिग्री। तो दोस्तों, ये मैंने पहले बना दिया, अभी आप यहाँ ऐसे देखिए, ये मैं अगर कर रहा हूँ तो यहाँ से क्या करना होगा आपको, एक से ये लेना होगा त्रिज्या, और ये कितना, 3 सेंटीमीटर। आपको स्केल से लेकर के यहाँ पे मेजर करना है। किससे करेंगे, स्केल से लेकर के, और फिर उस आपको प्रकाल की भी ज़रूरत होगी। फिर प्रकाल को यहाँ पे आप क्या करेंगे, ऐसे घुमाएंगे, ठीक है। तो ये यहाँ से जो है ना क्या हो जाएगा, ये 60 डिग्री का आपका बन जाएगा, ठीक है, ऐसे घुमाएंगे, ठीक है दोस्तों। और तो इस प्रकार आपका ये बन जाएगा। उसके बाद आपको प्रकाल की ज़रूरत है, प्रकाल से ही बनाएंगे आप, ठीक है, और स्केल का हेल्प से। पूरे वृत्त का केंद्रीय कोण कितना, 360 डिग्री होता है। जैसे देखिए, ये जो सेंटर है, ये प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है। अब जोड़ लीजिए 90 90 90, ठीक है, तो ये 360 डिग्री का होता है। अब क्वेश्चन से दोस्तों स्वयं प्रयास करें, क्या है स्वयं प्रयास करें, यहाँ देखिए एक बार क्वेश्चन से। यहाँ बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, देखिए, त्रिज्याखंड, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री है। साथ ही संगत दीर्घ वृत्त त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। और यहाँ पाई का वैल्यू कितना लेना है, 3.14 का प्रयोग करना है, राइट। तो आइए इसे डिस्कस करते हैं दोस्तों। बहुत ही आसान वर्कशीट है आज आपका। देखिए, आपको ये कंसेप्ट याद रखना है, ये एक कंसेप्ट है। पहले ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं यहाँ से भी। त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री है, और साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना। तो देखिए दोस्तों, ये जो हमने, ये जो ऐसे ऐसे है ना, ये हमने छायांकित भाग किया, इसको क्या किया, छायांकित भाग किया है। अब देखिए यहाँ पे, ये जो छोटा सा ये जो बन रहा है आपका, ठीक है, ये लघु वृत्त त्रिज्याखंड हो गया। क्यों, लघु त्रिज्याखंड, लघु त्रिज्याखंड, ये कितना 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। और उसके बाद बाकी ये टोटल, अभी अभी मैंने बताया, ये टोटल कितना होता है, 360 डिग्री का होता है, ठीक है। तो 360 में से अगर 30 माइनस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, दीर्घ त्रिज्याखंड। क्या हो जाएगा दोस्तों, ये दीर्घ त्रिज्याखंड हो जाएगा। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल
थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, तो थीटा का ये जो एंगल यहाँ कितना आप लेंगे 30 डिग्री, और 360 इंटू 3.14 पाई का वैल्यू अभी बोला था इसमें लेने के लिए, ठीक है, और 4 इंटू 4, तो इसको अगर आप काटेंगे तो ये काटने के पश्चात उसके बाद आपका सॉल्यूशन इसमें जो आ जाएगा दोस्तों 4.18 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। अब आपको यहाँ देखना है दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, क्या करना देखना है दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आपको देखना है। तो दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है, क्षेत्रफल का वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और माइनस पहले पहले मतलब लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल 4.186 निकाला हमने, तो 3.14 यानी पाई का वैल्यू हमें निकालना है, और आर का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है इसमें से माइनस कर सकते हैं। इसके दो मेथड है, या तो आप डायरेक्ट जो है ना लघु वृत्त दीर्घ वृत्त त्रिज्याखंड का भी निकाल करके दोनों में से फिर आप माइनस करके बना सकते हैं, ठीक है, और आप इसमें से भी कर सकते हैं। तो 3.14 इंटू 4 इंटू 4, तो ये 4.186 है, तो ये और ये इससे पहले कितना है 5.24 माइनस क्या है 4.186, तो ये 46.054 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी कार्ड के दो पाई वाइपर जो परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकते हैं, प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, तो पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ साफ होने वाले क्षेत्रफल क्या करना है ज्ञात करना है। ओके फ्रेंड्स, तो आइए इसे डिस्कस करते हैं। ये बहुत ही आसान आज आपका वर्कशीट है, और बहुत ही वैल्यूएबल वर्कशीट है, या ऐसे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, ठीक है। अभी रात के बज रहा है, 3 बज रहा है दोस्तों, मैं आपका वर्कशीट सॉल्व कर रहा हूँ। आई होप आप पूरे वर्कशीट को देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, पूरी रात जग के बना रहो आप लोगों के लिए। किसी कार के दो वाइपर जो परस्पर आच्छादित नहीं होते हैं और 115 डिग्री के कोण पर घूमकर सफाई कर सकते हैं, तो प्रत्येक वाइपर की ये कटा हुआ पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर, तो पत्ती के प्रत्येक बुहार के साथ साफ होने वाला क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आइए दोस्तों यहाँ देखिए, ये एक कार है, कार में जो वाइपर लगी हुई है यहाँ आप देख पा रहे हैं, ये क्या है, कार में वाइपर लगी हुई है 115 डिग्री, और ये 25 सेंटीमीटर है, 115 का एंगल बन रहा है, 25 सेंटीमीटर है, तो पत्तियों के बुहार के साथ साफ होने वाला जो क्षेत्रफल है वो 2 इंटू 1 वाइपर द्वारा साफ होने वाला क्षेत्रफल होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू थीटा/360 इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको जो है ना आप क्या करेंगे, 2 इंटू इसको आप करेंगे 2 इंटू थीटा/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो 2 इंटू 1/115 इंटू/360, तो इसको अगर आप कटे पाई का वैल्यू 22/7 ले लिया, और 25 इंटू 25, तो इसको अगर आप काटेंगे तो ये इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने के बाद 1585/1126 है, तो इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो 12254.96 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, इतना हो जाएगा दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। और या इस चैनल पे वर्कशीट 2 दिन पहले कराई जाती है, 1 से 2 दिन पहले, ताकि आप अपने क्लास 10th के स्टडी को बेहतर तरीके से बोर्ड की तरह एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते रहिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, थैंक्स।